ओम धन्वंतरे नमः, ओम कुबेराय नमः। प्रिय भक्तों, जय महालक्ष्मी जी की। धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक यह 5 दिन का अत्यंत शुभ पर्व होता है। इस पर्व के दौरान समय समय पर स्थिति के अनुरूप, पर्व के अनुरूप पूजन करने पर महापुण्य प्राप्त होता है। धन त्रयोदशी मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा इसी दिन श्री महालक्ष्मी जी और कुबेर का पूजन का विधान है, और यम के लिए दीपदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से धन त्रयोदशी के दिन 3 पर्व इकट्ठे हो जाते हैं। पहला है भगवान धन्वंतरी जी, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के आज के ही दिन प्रकट हुए थे। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इस दिन अवश्य पूजन करना चाहिए। दूसरा, व्यापारियों के लिए लक्ष्मी और कुबेर का पूजन संध्या काल में अत्यंत शुभदायक माना गया है। इस दिन सूर्यास्त के बाद शाम को लगभग 6:20 से लेकर 8:10 तक जो काल होता है वह वृषभ लग्न काल होता है, जो कि प्रतिवर्ष लगभग इन्हीं समयों पर पड़ता है। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है। इस स्थिर लग्न में पूजन करने पर महालक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। इसी समय प्रदोष काल भी विद्यमान रहता है, इसलिए प्रदोष काल का और स्थिर लग्न का जो मेल होता है वह अत्यंत शुभदायी है। इस शुभ योग में भगवान कुबेर और महालक्ष्मी जी को उचित आसन देकर के, अभिमंत्रित करके, उनका षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। इसी समय व्यापारियों को अपने गल्ले में जो सोना या चांदी या अन्य प्रकार का जो द्रव्य है उसको भगवान कुबेर और महालक्ष्मी के सामने समर्पित करते हुए उस धन का भी पूजन करना चाहिए। व्यापारियों से निवेदन है कि आज के दिन सेवई अवश्य जलाएं। सेवई का तात्पर्य है वो ऐसा दिया जिसमें बहुत सारे लौ रहती है। इस दिए का हम चित्र आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस प्रकार से संध्या काल में ही जब पूजन से निवृत्त हो जाएं, उस समय घर के बाहर दीपक जलाना चाहिए। दीपक, यह दीपक भगवान यम के लिए समर्पित होता है। जो मनुष्य या जो घर वाले इस दिन शाम को संध्या काल में बाहर दीपक जलाते हैं, घर के बाहर दीपक जलाते हैं, उनके लिए अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। ऐसा यम भगवान ने स्वयं निर्देशित किया है। जय महालक्ष्मी।